नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख ली तो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक जेनरिक दवा में और एक ब्रांडेड, एक पेटेंट दवा में अंतर क्या होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, मैंने इस पर काफी गहरा रिसर्च किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। एक जेनरिक मेडिसिन में और एक ब्रांडेड, एक पेटेंट मेडिसिन में अंतर कैसे पता करेंगे आप एज अ कस्टमर, एज अ मेडिकल स्टोर के रिटेलर। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे कंपनियों की जेनरिक दवाइयां होती हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, जो पेटेंट कंपनियां होती हैं, उनकी जेनरिक दवाओं में और उनकी पेटेंट दवाओं में अंतर करने के बारे में बताने वाला हूं। मतलब आपके पास दो दवाइयां होंगी, दोनों ही मैनकाइंड की होंगी, लेकिन कौन सी मैनकाइंड की दवा जेनरिक है, कौन सी मैनकाइंड की दवा पेटेंट है, इसके बारे में अंतर आपको बताने वाला हूं विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हाथ में ये दो दवाइयां हैं। एक है इविक्ट, बहुत फेमस दवा है, ये पेट साफ करने की दवा होती है, और एक है एल्बर्ट सेफ्ट 200 डीटी। ये दो दवाइयां हैं, दोनों ही एल्बर्ट डेविड कंपनी की हैं। इसमें से एक दवा जेनरिक है और एक दवा पेटेंट है। अब हमें अंतर कैसे करना है, देखिए इसका सबसे अहम अंतर ये होता है कि जो दवाइयां पेटेंट होंगी, जो दवाइयां ब्रांडेड होंगी, उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय उसी कंपनी का नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए दवा एल्बर्ट डेविड की है तो इसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्बर्ट डेविड लिखा होगा। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, यहां पर ये मेरे हाथ में है एल्बर्ट सेफ 200 डीटी। अब अगर मैं पीछे जाऊं और यहां पर पढ़ूं उनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो यहां पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन दवा किसकी है, एल्बर्ट डेविड की है। बनाया किसने है, स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स, और ये दवा भी एल्बर्ट डेविड की है। लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूं तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पर एकदम स्पष्ट लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्बर्ट डेविड। तो जिसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्बर्ट डेविड, मतलब ये पेटेंट है और ये दवा जेनरिक है। मतलब क्या हुआ, अंतर कैसे समझना है आपको, कि जो पेटेंट होगा उसमें उसी की कंपनी का नाम लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग में। अब आइए दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में है अरिस्टो कंपनी की दवा। अरिस्टो भी मार्केट में बहुत अच्छा रिपोर्टेशन रखती है। इसमें एक दवा पेटेंट है और एक दवा जेनरिक है। कैसे पता करेंगे, फिर आते हैं उसी फार्मूले पर, मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। अब देखिए, इसमें मैं जा रहा हूं इस दवा पर, जो मेरे हाथ में ये है अरिस्टो मॉक्स सीबी 625। इसका अगर मैं कंपनी देखूं तो यहाँ पर अरिस्टो लिखा हुआ है, साफ साफ अरिस्टो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये जेनरिक है। इसको पता करने के लिए मैं पीछे आ रहा हूँ और देख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए आप लिखा हुआ है अल्पास कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। दवा किसकी थी, अरिस्टो की। मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, अल्पास कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आइए इस पर, ये भी अरिस्टो की है और उस पर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाई अरिस्टो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मतलब क्या हुआ, सेम वही चीज, अगर आपकी दवा पेटेंट है तो जिस कंपनी की दवा है उसी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, एक दिखा दिया एल्बर्ट डेविड का, एक दिखा दिया आपने आपको अरिस्टो का। अब आइए आपको ले चलता हूं अगले उदाहरण की ओर। ये देखिए मेरे हाथ में दो दवाइयां हैं, दोनों ही एल्केम कंपनी की हैं और दोनों ही बहुत अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन इसमें से एक जेनरिक है और एक पेटेंट है। कैसे अंतर पता करेंगे, आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। ये है मेरे पास स्विच ड्रॉप, एल्केम की बहुत पेटेंट दवा है। इसके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे तो यहाँ पहले दिख रहा है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब आ जाइए इस पर, ये है पामा गोल्ड, ये भी एल्केम की दवा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैचेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसको कैचेट ने बनाया, हालांकि कैचेट भी जो है एल्केम की सिस्टम कंसर्न कंपनी है, लेकिन एल्केम ने नहीं बनाया है, इसको कैचेट ने बनाया है। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर एल्केम लिखा हुआ है। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, जो दवाइयां पेटेंट होती हैं उसको बनाने वाली कंपनी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग उसका खुद का होता है, अदरवाइज जो जेनरिक होती है वो किसी और कंपनी दे देती है बनाने के लिए। मैंने आपको तीन एग्जांपल दिखा दिए, तो आपको अगला उदाहरण, ये देखिए मेरे हाथ में दो दवाइयां हैं और दोनों ही ल्यूपिन कंपनी के हैं। ल्यूपिन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, लेकिन इसमें से एक दवा जेनरिक है, दवा पेटेंट है। कौन सी जेनरिक है, आइए देख लेते हैं। देखिए ये जो है एक्जिमसिफ 200, अगर मैं देखूं, ये भी ल्यूपिन कंपनी की दवा, यहाँ पर लिखा है ल्यूपिन का लोगो बना। अगर मैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आऊं तो यहां पर दिख रहा है स्कॉट इडिल एडवांस कोई कंपनी है, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। दवा किसकी है, लोगो को लगा हुआ है ल्यूपिन का, लेकिन इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है स्कॉट इडिल।
अब ये कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता है। अब साथ में आप ये देखिए, ये भी ल्यूपिन की है और ऑक्सिल है, और अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ल्यूपिन लिमिटेड। तो मैंने आपको ऐसे चार पांच उदाहरण दिखा दिए जिसमें ये साफ हो रहा है कि अगर कोई दवा पेटेंट है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में उसी कंपनी का नाम रहेगा, अगर कोई दवा जेनरिक है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में उस कंपनी के अलावा और किसी कंपनी का नाम लिखा रहेगा। लेकिन मैं चीज और बता दूं, ये फार्मूला लगभग 95% पे सही बैठेगा, 4-5% में ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो वो किसी और से ही बनवाते हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज 95% दवाओं में ये फार्मूला काम करेगा और इस फार्मूले से आप पहचान पाएंगे कौन सी दवा जेनरिक है, कौन सी दवा पेटेंट है, क्योंकि अच्छी कंपनियां ही जेनरिक दवा बनाती है और पेटेंट भी बनाती है, इसकी पहचान आप इस तरीके से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो, आपके लिए पहचानना अब आसान हो गया हो। ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।